हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। दिस इज मी दिनेश खड्का। आज चाहिँ तपाईँहरू माझमा मैले एउटा बेग्लै खालको भिडियो लिएर आएको छु। सधैँ चाहिँ मैले ब्लगहरू बनाउने गर्थेँ, आज तपाईँहरूको लागि हेल्पको लागि मैले जानेको कुरा लिएर आइसकेको छु। सो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो लास्टसम्म, अलिकति स्किप नगरी जो तपाईँहरूले पुरै सिक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ अहिले एकदम धेरै कन्डिसन इभेन्टको लागि चाहिँ कन्डिसन इभेन्ट आइरहेको हुन्छ, जो चाहिँ एरो तपाईँहरूको गेम ओपन गर्न मिल्दैन, खेलाडी छनौट गर्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने हो त्यो चाहिँ म सिकाउँछु। सो त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्लिज तपाईँहरू यदि मेरो भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। प्लिज फर्स्ट सब्सक्राइब एन्ड लाइक गर्नुहोस्। अब स्टार्ट गर्छु है त। अब गेम ओपन गरेँ, यही फुटबल गेम ओपन गरेको। आप लोग जाओ अपना वो नेशनल टीम, और उसमें कंडीशन है उसमें जा सकते हो आप, कौन सा खेलने वाला है उसमें। मेरे वो नेशनल गेम में वो कंडीशन मांग रहे हो, इसमें कंडीशन इवेंट फेल हो रहे, वो इसमें ओके करो। ओके करने के बाद आप लोग गेम प्लान में जाओ, आप लोग गेम प्लान में जा सकते हो। यहाँ पे इवन कंडीशन दिखा सकते हैं, और इसके बाद में आप वो जिधर वो फ्लैग दिखा था ना उधर भी जा सकते हो। पूरा बैक करो, अब एक खिलाड़ी खरीद करने का, वो जून से खेलेगा ना आप लोग, उससे देश का प्लेयर कितना खरीद करने पड़ेगा। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट बैक करो, फिर बैक कर दिया उसको, डायरेक्ट अब स्टैंडर्ड प्लेयर में जाओ। आपको टीम में गए स्टैंडर्ड प्लेयर में जाओ, स्टेडियम प्लेयर में गए आप लोग उधर में अब फिल्टर करो, आपको कौन सा वो खेलना है वही खेलो। मेरे वो नेशनल टीम का खरीद लेना है, वो मैं नेशनल टीम में जाएगा, नेशनल टीम में भी करेगा तो मेरे ब्राज़ील अच्छा लगता है, मैं ब्राज़ील को चुनता हूँ ब्राज़ील। और इसमें आपका प्लेयर भी चुनना पड़ेगा, आपको उसमें 18 प्लेयर होना चाहिए ना उधर में, आपको पूरा वही देश का पूरा प्लेयर और क्लब खेलेगा तो क्लब का पूरा 18 प्लेयर किनना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। और मैंने कहा एक गोलकीपर खरीद लेगा, इधर मैं फिल्टर करके फिर मैं गोलकीपर चुनेगा, क्योंकि फिल्टर करना तो अच्छा होता है, फिर गोलकीपर लगाएगा तो वो फिर अच्छा हो जाएगा। मेरा गोल पिकर चाहिए, एक गोलकीपर लिया, अब खरीद लेगा मैं उसको, उधर अच्छा ना उसके मेरे पास ज़्यादा वो नहीं था, कोइन नहीं था, फिर मैं उस सस्ता वाले लिया ना, उस महंगा वाले भी थी मैं लेकिन सस्ता वाले लिया, ये लिया। ये लेके फिर अब आप उधर में जाओ, पहले इधर जहाँ जा रहा था उधर में जाना है, फिर आपको कौन सा गेम खेलना है इसमें जाना है। आपने समझा रहे हैं ना, वो आप जौन सा गेम खेलेगा वो कंडीशन हो रहा है, उस कौन से क्लब का खेल रहे है, वो क्लब का प्लेयर पूरा किना चाहिए 18 प्लेयर, और वो किनिए तो मैंने आपको सिखाया था ना, वो फिल्टर करके कि खरीद के ले सकते हो, कॉन्टैक्ट में गए हाँ कॉन्ट्रैक्ट में गए वो प्लेयर खरीद कर सकते हो। अब जाओ आप कौन सा गेम खेलेगा उसमें जाओ, मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो समझ लो आप लोग, बस ये एग्जाम्पल है। वो मैं नेशनल टीम में जा रहा हूँ, वो नेशनल टीम में अभी कंडीशन लग रही है, वो प्लेयर ऐड करना पड़ेगा फिर उधर में गा के, मैंने वो जो खरीद लिया ना वो प्लेयर को उधर में ऐड करना है। वो पार्टिसिपेट में जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा उधर में, पार्टिसिपेट करेगा तो, और फिर गेम प्लानिंग में जाने हैं, सॉरी गेम प्लान में जाने हैं, गेम प्लान में गा के वो इधर में है ना, वो नीचे वाला है उसमें दबाएगा, ये पूरा खिलाड़ी आएगा, इधर में भी फिल्टर करना है। अब ब्राज़ील, मैंने ब्राज़ील चुना है ना, मैंने ब्राज़ील डालता हूँ उधर में प्लेयर चुने के। अब साउथ अफ्रीका ब्राज़ील इजी होता है ना इधर, ऐसे ऐसा करके इजी से ले सकते हो। एंड उधर में वो गोलकीपर डालेगा, तो मैंने गोलकीपर लिया था ना, वो 18 प्लेयर डालेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, वो 18 प्लेयर खरीद लेगा तो अच्छा हो जाएगा ना, वो इजी हो जाएगा। मैंने तो पूरा ब्राज़ील का हो जाएगा। इधर में लेके मैंने गोलकीपर डाल दिया, इधर में लेके वो पेली वाले से ना ऊपर वाले वो चेंज करने वाला था आपको पड़ता था सबसे सेशन, उधर में वो खिलाड़ी पूरा रखना है, उधर में 6 खिलाड़ी रखना है, 7 खिलाड़ी रखना है, यानी इधर में 11 खिलाड़ी होना चाहिए। अब इसका करें तो क्लियर हो जाएगा आपको, देखो अब इवन कंडीशन इज क्लियर, हाँ क्लियर हो गया, देखो अब आप खेल सकते हो इधर में, अब इधर में खिलाड़ी सर्च करके खेल सकते हो, वो सॉल्व हो गया। आप इसे लाइक कर दियो। I hope you like my video. If you like, please like, comment, share and subscribe. तपाईँहरूलाई यदि मेरो भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्दिनु होला। जो यस्तै यस्तै भिडियोहरू अरू पनि मैले धेरै नै बनाइसकेको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल हुन सक्नेछ, जो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै
धन्यवाद छ यदि लास्टसम्म मेरो भिडियो हेर्नुभयो. थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई ब्लग. प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर. सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला यस्तै भिडियोको लागि. मलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल आइकन अल्सो दबाइदिनु होला है त. यसो भन्दै ओके, बाई बाई एभ्री वान.